है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो सवरिया सरकार की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोल दी वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखी आज के प्रवचन जौन बा जहां से बंद कैले बनी ओजी से कथा होता प्रजापति राजा दक्ष सबकी की यहां न्योता दे दे ले। सारा देवता लोग यहाँ न्योता चल गई लेकिन एक के जनी घरे न्योता ना ही गई के करी घरे। अरे राजा दक्ष के बेटी जौन बड़ी का नाम बा सती की यहाँ न्योता ना गई। का नाम बा राहुल संपत सम चली बैठ बैठ निम्न रह न्योता गई बा लेकिन न्योता प्रजापति राजा दक्ष अपना अपनी शंकर जी की यहाँ भोलेनाथ की यहाँ न्योता ना भेजनी। सगरी बेटी आई बड़ी सब लोग आई बा आकाश मार्ग से सारा देवता लोग जात रहले। माता सती कहली कि नाथ एक बात बताई देवता लोग कहाँ जा रहे हैं सगरी देवता लोग कहाँ जाता रहे। शंकर जी कहले अब तो हसे आज ले जब ना छिपौली तो अब का छिपाई मेहरारू भले मर्द से छिपा के बतिया ले लेकिन ओरिजिनल मर्द कबो छिपाई ना। आजकल के तो हमारा बुझेता सजी मेहरारू ने से राय लिया था अब का जानी फाजिल लगर में होता कि नहीं। अच्छा बताई मलिकाई इतनी पर के कर चलता मर्दे के कि मेहरारू को नहीं क्यों बोली फाजिल लगर में मर्दे लोग चल थो तो बुझते है बालो बुझे वाला तो बुझते है बाल। जय श्री सीताराम। ध्यान दे शंकर जी कहने की देवी अगर पूछल चाह तड़ू तो तुसे विधवत हम बता दे तनी तरी नैहर में जग होता आ तोहार पिता राजा दक्ष जग करतड़े तोहार पिता राजा दक्ष जग करतड़े। सती कहली जब नैहर में जग होता त न्योता काहे ना आइल ह रौरा यहाँ सबके घर के न्योता आ जाए नैहर में बियाह तिलक पर जा न्योता ना हो तो रौरा नाराज होख आ कि खुश रहो आ जान तनी पहले के करे परिसी आए ऋषियो लागी तो दूसरे पर ना आई भाई भतीजा पर ना आई पहले उन्हीं पर ऋषिया लागी जे सेनुरा लगावले बा माने छौ तोहरिये चलते कुली होता तो ही कुली करता। शंकर जी कहले बोला तू कहल का चाह तड़ू कहली सब लीला राहुल हो रहुरा हमरे नैहर गए लही ना। शंकर जी कहले गए लही कहली तो बात का बिगड़ल बा। शंकर जी कहले तोहरी पिता के सब लोग प्रणाम कही हम गए लही सभा में लेकिन हम एगो कोने बैठल रही तोहरी पिता के प्रणाम पाती ना भई। सती कली रउरा दामाद हई हमार पिता राउर ससुर हव त रउरा प्रणाम काहे ना कैली। शंकर जी कहले अगर प्रणाम करती तो जड़ के भस्म हो जाते धरती पर कोई महादेव जी का प्रणाम लेने वाला नहीं है एक जनी प्रणाम ले लें के जेकर नाम राम हो। पृथ्वी पर राम जी किसको प्रणाम करते हैं केवल राम जी को कहले प्रणाम यही कमारे ना कह लिए कि जर के मर जाते हैं। तो सती कली जब नैहर से न्योता ना आयल बत के जाई कि ना। शंकर जी कहले हम तो यह कब जब न्योता ना आयल बा हमरे खातिर तो के ऋषिया के न्योता ना भेल बा तो हम कहतनी कि बैर हो गल बा तो मत जा। शंकर जी दू बेर कहले तीन बेर लेकिन सती कली बात हमरा अच्छा ना लागत तारे जाय भी चाहे ना जब हम तो नैहर मेहरारू हर बात मान जाई है बहनौरे न जा फुफुअरो न जा मामा के यहाँ न जा सौखी के यहाँ न जा लेकिन केहू कोई दे मर्द की नैहर छोड़ दे तो मान जाई मानी मेहरारू ओ दिने घर ही न मर्डर हो जाई। सती कली हम त नैहर जाए
शंकर जी कहले जात तो बारू लेकिन तक पहले बता दे तनी तहारी इज्जत सम्मान हो ही ना। अच्छा बताई जो लड़की मारुति में बोला के अलबा ओकर इज्जत होई आ कि झोरा लेके है पड़े आओ तड़ी भाग हो। इज्जत तो ओकर होई जो सम्मान से बोलाओ बा। सती कली हम जाए लेकिन नैहर के तैयारी बनौली तो भोलेनाथ सोच ले कि जात तो बाड़ू लेकिन अंतिम अंतिम तो वही चुको दे जहां बतिया नाई मल्ली राम जी के परीक्षा लेवे गई राम जी के परीक्षा लेवे गई आ राम जी माता कह के जब प्रणाम कैले तो अंतिम तो वही जो जाए के बरिया कह दे कि होई हन वही जो राम रची जात तो बाड़ू लेकिन अब तुहार कल्याण। अच्छा बताई अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए कि नहीं नहीं माननी चाहिए। अजय नहीं माना था भोगतो बा देख लके तर पोता था भाई वीरेंद्र बाबा सिखौते भाण हमार बात जरा एक साल कथा में आठ दिन के प्रवचन बाद दूसरा दिन आ जाओ अगर आठ दिन के कथा तोहरी दिल में घुस गई तो अगले साल बुलावे के नहीं रही कि चलो वीरेंद्र बुलाओ तर हमार कथा सुन। एक मंच पर 25 साल से कथा हमारा हो रहा है एक एक मंच पर 20 साल से ये तुम्हारा हमारा मेन रोड पर है ना। आप समौर बाजार में जाइएगा और समौर के आगे बढ़िएगा किसी गांव पर किसी इलाके में पूरे गोपालगंज जिला की बात मैं बोल रहा हूँ सिवान जिले की बात बोल रहा हूँ छपरा चले जाइए रहे वाला तो हम रघुरा लगे के मानी लेकिन भगवान के कृपा ना ही भइल खड़सरी बाबा ना ही चहले तैयार ना ही आई हुई है ना वही जो राम शंकर भगवान की सती नैहर जा तड़ी लेकिन नैहर जब गई तो सजी बहनिया दौड़ल बड़ी पहली बहन दौड़ल गली कली दीदी बड़ा लेट हो गई कैसे कब कहा न्योता गई लल अभी देखी कैसन बात ही होता न्योता गई लल सती कली न्योता तो नाई गल तो दूसरा जने कली हमारे घर तो न्योता नाई गल तो हम तो नाई अती। अच्छा बताई है निमर बात होता के बाबू यह टाइम है पूछे के बतियावे के अकि पानी दिए जला पियावल जला आदर कई जला ते जने कहली कि न्योता नाई गलत नाई आई तो दूसरा जने कहली चला आ गली बढ़िया बा घरवा बनल गी अबो तोर मड़ैये बा सती कहली हमरा भाग में मड़ैये बा तो बिल्डिंग कहाँ से हो। तीसरी जने कहली चला मड़ई बा तो बढ़िया बा भात रोटी बने लगी अबो भंगिये पिए लू पीसे लू भंगिये पिए ले तो हाँ अच्छा चलो यो बढ़िया बा अब बतावा कपड़ा लता पहरे लगी अब वो उघारे रहे ले। सती कहली अब तो बर्दाश्त नहीं हुई भाई हाल चल होता कि मारल जाता। सती कली केहू से नहीं बहिन लोग से मिलली वह कवारी में भाव और जब प्रेमी है बा देखी मर्दे के चलते मेहरारू अपना के ठीक रही देवर जानी उसे इज्जत ना बनी ससुर जानी तो इज्जत ना बनी भौसुर जानी तो इज्जत ना बनी सासू जानी तो इज्जत ना बनी गांव जवार पटीदार जानी तो इज्जत ना बनी ये मनावे के चाहे कि हमार मर्द है पर उठौले रहे बतिया बुझाई आहयो सुन लो बहुत लोग बेटा पर धदाला वीरेंद्र बाबा हमार तो लड़कवे कबो अगर अहिया धदैया तो मर्दे पर मर्दे के चलते जौन मन करे लुगा पहिर लो मर्दे के चलते जौन मन करे खा लो मर्दे के चलते जौन मन करे गहना बनवा लो मर्दे के चलते जहां मन करे घूम लो बेटा तो जौन करते ना कि रोले आ नहीं कहे माई लोग से पूछ लो धूकता माथा में बतिया अगर नहीं आवता हई हर साल कथवा होला उहे होता कि दूसर होता उहे होता उ कथवा हम नहीं बोल हमारी मान के लोहा लाई बा दिन भर गाना बजाना करब तो कब कथवा होई हमार कथा सुना कि हम का बोलतन एकदम कांटा करके दिखा देंगे कि यही चीज अच्छा है और जानना भी जरूरी है ऐसा थोड़ो ना कि वीरेंद्र जैसे नहीं तैसे बोल दिए। शंकर जी कहले जा तो बारू तुहार सम्मान हो ही ना तई बताई शंकर जी के बात इनका मानल चाहत रहे ना जब मना करते ना तो न जाई अरे मना कर देना तो न जाई लेकिन केतनो मना कैले बात ही मानली नाई गली तब शुरू भइल बा भोगे वाला बात कली अब केहू से नाई मिलब चल तनी माई से मिलब गांव जवार सब लोग दुश्मन हो जाई लेकिन जौन माई पैदा कैले बा बेटी के कबो दुश्मन ना हुई नैहर में अगर बेटी जाती है तब वो ससुरा में जाती है तब वो लेकिन जितना बेटी के कदर महतारी कदी कबो सास के करी कबो ना करी
महतारी एकवारी में पकड़ के कहली बेटी आव पानी ओनी पिया का हाल चाल बा। सती रोवे लगली पहले असुईया पूछली माई के दाह के उपुरावे वाला संसार में नहीं बा, भले कुछ बतिया ल एगो कष्ट कौन हो जा बेटी के तमाई चार बेर फोन करी तन लगेबा फोनवा बेटी से बतिया ले। भाई बाप के व्यवस्था अलग बा लेकिन माई के व्यवस्था अलग बा। सती के अपन महतारी पकड़ के रोए लगली कली बेटी चला पानी उनी कली माई पानी तो पी भैली अब बताओ जगशाला कहाँ बा। जगशाला में गईली अब देख तड़ी पहले मेन बेदी पर शंकर जी का बेदी है नाई बा। किसी जगशाले में जाएंगे तो शंकर जी का मेन स्थान है और शंकर जी के जब बेदी ना देखली टप दे इनके आत्मा में कष्ट हो गई। जहां हमारा पति के अपमान होता जो हमारी इज्जत कहाँ हुई। जौनी औरत के मर्दे के इज्जत मोहल्ला में ना हुई ओकर मेहरारू की इज्जत हुई। गैली कहली पहले पिता के प्रणाम करी टप दे हथवा जोर के कहली पिताजी प्रणाम। राजा दच कहे खबरदार। एकरा बाद जबान फिर दोहरैया मत तोरी घरे न्योता न भेजले बानी न बोलौले बानी आ कैसे कहलू आईबो कहलू तब एक सुन लो अब ये जो हाल चाल ना पूछो पैर उठावा यही गोड़े अपने घरे चल जा। सती कली राजा दच कान खोल के सुन लो तारा जग के देखे ना आई बानी चाहे तो के हम निहारे ना आयल बानी। आज हम पति के बेदीन क के आयल बानी पति के अपमान क के आयल बानी आईलो बानी तो हमारा शंकर जी के स्थान ना बा। राजा दच कले ना मनबू सती कली मानब ना तोरा जग में आई बनी तब मर्यादा से तोहर हम बेटी हई। प्रथम जन्म दक्ष ग्रह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। हमार नाम सती तू धैले बण पैदा तू कैले बण शादी तू कैले बण ई शब्द काहे बोलता रह। राजा दच कले ना मनबू सती कली ना मानब अपना गौण सुन लोग से कहे की बाह पकड़ के कर निकाल। सती कली बाह पकड़ के निकारा मत शंकर जी के सबसे बदमाश गण वीरभद्र गई लल अथवा जब छुए गए लोग तो सती कली हमके छुआ मत ससुराल तो छूटी गई और जेकर पति निरादर कर देले हमार बा के और नैहर में माई बात बेदीन करता तब हमार बा के सती हथवा जोड़ के जगशाला के बगल में खड़ा हो गई। और सती जोग अग्नि में जरे लगली कथा को बड़ा ध्यान से सुनना। सती जब जरे लगली तब विष्णु भगवान से निवेदन करी कि भगवान अब तो हम मरे जाता नहीं नारी के सबसे माया वाला जगह नैहर होला और लड़की आके नैहर में माई बाप से ठोकर खा के चल जाओ लड़की के जीवन बा कहा। हथवा जोर के सती भगवान से निवेदन करी तुलसी बाबा लिखल है अरे मरत सती हरि सनवर माता सती जब मर गई तो भोलेनाथ के मालूम हो गए सती तो मर गई। एक लाख बाउर अपन मेहरारू होके लेकिन अपनी मेहरारू के दाह कोनो दुनिया में पूरा आई। आन्हरी होके लंगड़ होके करिया होके नकचीपट होके कोयलास होके एक लोटा पनिया लेके उहे दौड़े ले होता। आ जे मर्द अपना मेहरारू के निरादर करेला आदर ना करेला ओकर दशा बड़ा खराब चली आगे चल के। एक गिलसवा पनिया के देवे वाला नहीं बाबू हुटुक के मरब चार गो पतो ही बारी लाजन कहबा नहीं पानी दो आ कैसे कहब
पतोहिया तोहरा दबाव में ना बा, बेटा तोहरा दबाव में ना बा, लेकिन सिनूरा लगा के जौने के ले बड़ा उतर दबाव में बा। एगो मर्द अपना मेहरारू से कहलत कि दिन भर नौकरी करता नहीं हम मजूरी अते घरवा करे ले का। मौगी कहलत सजी हम आई करी ले का नहीं करी ले। सुबह में उठ के घर बाहर अब बर्तन माजब रसोई बनाई लैकन के तैयार कर अब स्कूले जाइ सो तोहके खाना टिफिन में लगाई कपड़ा हम खींचा सब हम करता नहीं हम करते नहीं की। मर्दा कहलत बैठल बैठल खा तड़े का करे ले। मौगी कहलत अच्छा तब बिहने देखा दे। जब सुबेर भाई आप चल के बैठिए ना, चलिए बैठिए ठीक है। जब सुबेर भाई अति ऊपर आई ए बाबा आ साधु बाबा ऊपर आई आ जाइए ऊपर आ जाइए आइए 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 ना आइए। बापो बाप इतना कुछ है तो मौगी कॉलेज भी है ना देखा है ना अकबर जी। हाँ डायरेक्टर होगा तो शंकर जी बनी है जी आइए ना तो बैठे हम कह तनी कई बेर बोल भेनी रात बती हम नहीं बुझ पौली ठीक। अब लौका तुम सब है हाँ बलवानन से धरती खाली बा लेकिन व्याकुलन से खाली नहीं की का कर जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। मौगी कलश अच्छा कुछ नहीं करी ले तब बिहने तो के पता चली कि का करत हाँ तब बिहान भले सुतल त 8 बजे ले 9 बजे ले सुतल रह। अब उठल तो देखा ना घर बाहर आइल बा ना बर्तन मजाइल बा ना चाह बनल ना खाना बनल बिना खैले उइले गइले ओही तरह बर्तन पड़ल बा घर पड़ल बा लैको पढ़े ना गइले साझी कैले तो कहले कहो तनियो पर रसोईया बनल बा देखा ना बर्तन ओही तरह पड़ल बा कल ही के घर नहीं खा बाहर आई कपड़ा नहीं खा फिचाई लैको पढ़े ना गइले तब मौगी कहले हम का करे ली जे खाना बनाए कहले ले ऐसे कान पकड़ा था नहीं कबूरी सी आई नहीं होता था। जितना हमार बहिन लोग माता लोग कर ली केहू मर्द करी भर में माटी ले ली लोग 10 बजे तक 12 बजे तक कोनो चाय नहीं पी पाती खाना नहीं खा पाती है कौन तमाशा बा। बोलो शंकर भगवान की जय। अब देखी जब सती मर गई तो भगवान शंकर जी अपन त्रिशूल फेंकल ये रामचरितमानस का मैटर नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। त्रिशूल गई बा सती के गर्दन कटल बा ये रामचरितमानस में नहीं है। शिव पुराण पढ़िएगा शिव पुराण को शिव पुराण पढ़िएगा शिव पुराण में ये चीज है। सती के गर्दन जब कट गई और त्रिशूल से जब सती के जब मर गई जर के सती जब मर गई मरत सती हरिशन बरमांगा और प्रजापति राजा दश के जब गर्दन कट गई तो शंकर जी पहुंचल बड़े मरल लाश सती के गटई में बांध ले। अच्छा बताई हमने के मेहरारू कोनो मोरी तक के गटई में बांधी लेकिन धनी है ये भोलेनाथ। बड़ा सुंदर मार्मिक जगह कथा का है गौर से सुनिएगा। सती के लाश गटई में बांध ले आप पानी के जब लाश ही लेके चले लगल तब विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र उठा ले, ले। सुदर्शन चक्र उठा ले, ले। एक बेर उठा के नचौले कहने भोलेनाथ ही रोबरा का करतनी मरल ला छोड़ दे जला दफना दे जला जरा दे जला ही रोबरा का करतनी। भोलेनाथ कहने मरलो ला सती के छोड़ब ना मरल की लसिया गटई में लेके चल भैया लाइन बदल ले। अरे किया हो अरे सती के शरीर आए बाबू अरे लिहल त्रिपुरिया Yeah.
सती के मरल लाश गटई में बांध के लेके चले लगला ये बाबू। लेकिन विद्वानों से एक निवेदन जरूर करेंगे, कथा जहां हम बोल रहे हैं बताते चल रहे हैं, ये रामचरितमानस का मैटर नहीं है। रामायण में रामचरितमानस में तुलसी ने नहीं लिखा है, लेकिन आप शिव पुराण को पढ़िएगा जहां से हम कथा बोल रहे हैं। बीच में थोड़ा सा आइटम है, जब ले के शरीर चले लगला तब विष्णु भगवान कहे कि भोलेनाथ ही अन्याय होता ही का होता। तुरंत सुदर्शन चक्र उठा के एक बेर नचौले पृथ्वी पर 51 टुकड़ा गिर गई। दुर्गा सप्तशती पढ़िएगा, देवी भागवत पढ़ के देखिएगा इसमें क्या लिखा है। सिद्ध पीठ दुर्गा के अवतारे जो मानल गए। अब देखी सती तक कट के गिर गई, लेकिन शंकर जी कहले जब असली मेहरारू ना बात तो संसार देख के का कर लायक मर्द रही न तो कबो अपन बाजार बनल रही, आ कुलायक भेटा जाए तो कितनो रंग रूप से रह जाए बेकार। एगो लड़की देहात के रहे वाली रहल, तन हमरा उठा को ए लड़की शहर के रहे वाली रहल आ देहाते में बियाह हो गए, आ बियाह भइल त ससुरा गइल ओकरा बाद नैहर आई, आ जब नैहर आइल त एक अपना मालिक के फोन करले, तकर सखी लोग कहली तनी अपने हस्बैंड को बुलाओ देखा जाए कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं समझदार हैं कि नहीं। अब पांच गो सखी कहली शहर के रहे वाली, अभी ससुरारी अभी गइल है बाबू, औरतिया कलच की आई रौरा हमार सखी लोग बोलौले बा देखे के ससुरारी गइल है। तो ससुरारी गइल है तब का कहले दुल्हनिया पूरी पुलाव पनीर मशरूम सब बना के टनाटन कइलस, ये बैठला खाए हम ध्यान से सुनबे बाती के। रहे वाला देहात के हमें कम पढ़ल लिखल आ शहर में गइल बड़ा, शहर में ससुरार बा रसोई बुढ़ी। अब पतोहिया बूढ़ा कहली कि हे बहनी पहुना बैठ गए दमाजी रसोई दे सजी सौखी टकटकी पर रही सो देखल जा कैसन बाड़े होशियार बने की बुरु बक। रसोईया खाते में चिन्ह जा लो बुरु बकवा लो, रसोई पनिया पियत में चिन्ह गई है। अभी बैठला खाए तो गंवारे आदमी देहात का रहे वाला अब दूदू को पूरी सब्जी लगा के एक को पूरी कचौर के सब्जी लगा के मुँह में डाल रहा है। एगो पूरी उठाव है वही पर तरकारी धो रहे हैं और भूखाइल आदमी देहात का रहे वाला मौगी भीतर से पलटा खटखट हो लो बेइज्जती होता। एक हो पुड़िया न खाए माले छऊ पुड़िया के अंगूरी देखल एगो पूरी के दू टुका कर तकतनी हमरे ओरिया एगो पूरी के दू टुका कर के खाए माले छऊ। मर्दा बुरबक रहे कहलत बुझाता कहतिया भूखाई लाल बड़ा तका एक होगो खा तड़ दू दू पूड़ी एक हंगर में खा। होशियारे मर्दक न सिखल जाला एक के पुड़िया खात रहे मौगी कहलत हमार बेइज्जती होता सखी लोग हंस तड़ी अरे एको पुड़िया के तुर तुर खा जाला लेकिन एक पूड़ी खा तो मौगी कहलत एगो न खा एगो पुड़िया के दू दू टुका कर नहीं नहीं चार टुका कह पाओ ते एगो पूरी के दू टुका कर तो सोचना कि बुझाता कहती है भूखाई लल बड़ा तका एक होगो खा तड़ कहे के बता दू दू पूरी धर्म था ना दू गो धक चाप। अभी लगला दू दू पूरी उठा के हेतना तरकारी धो के एक बेर मुँह में हूर मौगी कर सब तो हमारी इज्जत बन जाता है। सखी लोग कल का हो यह पढ़ लिखल बड़ा हे इस तरह हे 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 अब फिर कहतिया कहलस पलटा पटकी कि का करी कुकर में का करी का कोने त तकाई आ ताके नहीं जल्दी त दू बेर छनौटा पटकल सना तकले थरिया पटकल सना तकले कराही उठा के ओई ओ चूल्हा पर ताक द पटकल तब तकले त कलस मर छौ हमार तकदीर फूट गल त लोग का कही समाज में का कही लोग त कहले बुझाता कुछ कहतिया कहलस कि अरे मलछवा दू दू गो पूरी एक बेर खात रहे लोग का कही तोर माथा खराब बा तोर दिमाग खराब बा तीन बेर कपड़ा इतर पटकलस माऊगी त ई कहना बुझाता ई कहतिया पूरी पूजनीय बा आ आइल बाड़ा त पूरी उठाव त पहले कपारे पर छुआव तब मुँह में डारा ये मले छाऊ। अब जौन बचल खोचल बा एक बेर में जाता मौगी कहलस
कपड़ा दू बेर पिटल से हमार बड़ी बेइज्जती होता, हमारी इज्जत बेइज्जत करता, हमार नैयर में आके हमार का होता। नहीं मन बाबू, कपड़ा जब दू बेर तीन बेर हथवा धैल त इनका ई बुझल कहत या पूरी पूजनी बा, दू गो पूरी उठावा तरकारी पर धोल आ कपारे पर सटा के मुँह में डारा ए मले छौ। अब दू गो पूरी उठावे सब्जी धो के आ पूरी कपार पर सटा के तब मुँह में हूर धड़ाक दे केवाड़ी बन को के घर में से बाहर चल गई। चल चल तोरे सथ में चल, दोनों और के इज्जत गई। मर्दे के वही मर्दे के सिखावल जाला जौन मर्द लायक हो खो बात मानो। एक महीना दूध पियल जाए तो देही में जांगर बताई, आ एक बोतल दारू पी लेता हूं पावर कोने में 20 बार दूध में कि दारू में, दरुइया दुइया घंटा ना चाहिए। दूधवा में ताकत बा, कोनो लड़का के डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाओ बा ना बड़ी पापड़ बेल जाए तो इंगेज होई, आ चोर बदमाश बनाओ बा तो शिक्षर थमा दे कह दे दू जने ठोक दे बेने बमचक में जाए फलाने लड़का बदमाश हो गए नहीं हो जाए। चार नदिया दही रे के पूरा फाजिल नगर घूम लो, पूरा फाजिल नगर घूम देखा बिका था, कोनो कोई सरिया नहीं का, कोनो कोई फाटल बा, कोनो कोई ऐसा बसा था, आ सौ बोतल दारू लेके झुटुआ में बैठ हो ओकर गह की नाने में कहू बा एजु तो कहू ना ही हो। रिहर्सल करे के चाही, हाँ ई कथवा बड़ा फायदा करी, सुनल जाओ खाली दू घंटा सुन के देखल जा कि वीरेंद्र का बोल गए। बोलो शंकर भगवान की जय, राजा राम चंद्र की जय। जब सती के टुकड़ा शरीर हो गई 51 गो तो शंकर जी अखिया मुड़ले तुरंत बैठ गए बाबा, शंकर जी समाधि ले रहे कहले जब असली मेहरारू मर गए तो नकली समाज देख के का कर। तुलसी बाबा रामायण में लिखल है जब से सती जाई तनु रामायण के सीरियल कथा होता छोड़ तोड़त नहीं बनी हम, जहां ले बोल ले तहां ले बोल दे, नहीं बोलाई नहीं बोलाई, लेकिन आपको ऐसा फील ना हो कि वीरेंद्र बाबा कूद कूद के ठोकर मार रहे हैं। जब से सती जाई तनु त्यागा तब से शिव मन भयो विरागा। भगवान शंकर जी बैराग ले लेले, और जब बैराग ले ले तो रामे के कथा रामे के कीर्तन रामे के नाम परमात्मा के नाम के उच्चारण महाराज। आ जब शंकर जी आंख मुन्ने बैराग लेले तब पृथ्वी पर तारका नाम के राक्षस तैयार हो गई, तारका तैयार हो गई, सारा देवता लोग के भूजे तड़पावे लागल, सारा देवता लोग त्राहिमाम 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 कह के ब्रह्मा जी के दरबार में गए लोग। ब्रह्मा जी पूछ रहे कहां आइल बनी जा, देवता लोग कहले सरकार सती जाके नैहर में मर गईली, आ शंकर जी आंख मूल लेले बड़ा पृथ्वी प्रतार का नाम के राक्षस तैयार हो गई बा। अच्छा एक बात बताई, फाजिल नगर में कौनो एगो नंबरी चोर हो जा तो मार्केट चोरे के नाम से साबित हो जाएगी ना, नहीं बोलो नहीं बोलो कहो। दुइये गो लड़का जुआ खेल तो कहीं अगर अड्डा हो खे तो माहौल गंदा होता कि नहीं होता, नहीं होता। अब रोगरा बात छोड़ दी, शराब गद्दी या चाहे मॉडल साहब पर जाके वीरेंद्र बाबा अपन गाड़ी रोके आ स्टीले के गिलासे में हम अपने बोतल में से पानी पी तो देखे वाला पानी कही कि दारू, यो बोलो पानी कही बिचारवा बड़ा गड़बड़वा ये बाबू, लोगवा का नजरिया गलत हो गए
लोग कहले ए बाबा जमाना बदल गल, जमाना नहीं बदल बट तू बदल बाड़, बुढ़ौती आगल चले के नहीं आयल, बैठे के नहीं आयल, बोले के नहीं आयल, समाज में जिये के नहीं आयल, तो जमाना बदल बा कि तू बदल बाड़। दस साल पहले कुछ और ही रहा है तनी पर चल तला मॉडल बना के, जमाना बदल बा। अपने को बदलने का प्रयास न करो, अपने को, जमाना नहीं बदला है, धरतिया यह ना फाजिल लगर के हो, मार्केटवा यह ना हो, है दुकानिया यह कुल बाड़ी देहिया उहे ना बा, कौन सी बदलल बा, हमनी के बदलल बा। अब हेसन नहीं पहरो, हे तार पहरो, अब हई खाना नहीं खाए, भई खाई है जलपवा जोन बुढ़िया बाड़ी हो चौमिन आ बर्गर बुझ गेल बाड़ी, है जलपवा हो जलपवा। हमरे यहाँ जन फटदरिया में दादी बाड़ी ईया लगी है पुरनिया बाड़ी, एदिन कहता ये वीरेंद्र बाबू रुको बो अगाड़ी हम जाता नहीं हाटा, कहली का हम पूछा नहीं कहाँ हो, तो कहता तनी गड़बर बनवा ले यह तो कहनी नुआ धरबू कहता गड़बर, हम कहनी कैसन गड़बर, अब लगली सोचे तो एगो लड़की बा बगलिया में चाचा के कहती है गड़बर नहीं कहती बर्गर कहती है, कहे के नहीं आवती है खाई है बर्गर, फिर तेरे समाज है जमाना। अरे कम से कम अपने हिसाब में तो रहना सीखो भाई, बोलो शंकर भगवान की। तारका जब तैयार भइल तो ब्रह्मा जी के दरबार में जाके गिरले, सारा देवता लोग पहुंचल वहां, ब्रह्मा जी पूछले कहां भइल हो, सप्तऋषि लोग कहने की सरकार सती जाके नैहर में मर गईली, अब भोलेनाथ आंख मूल लेले बड़े, अब कैसे हमनी के रहल जाई। तब ब्रह्मा जी से समझावे लगले आई लोग बहुत आलो बात जुआ गए, अरे हाथी जोरी पूजी ले चरानावा ए दीनानाथ असुनिली कहानावा, शंकर जी तकी हैं, तब पार्वती से शादी हुई, अब पार्वती से शादी हुई ए तब कार्तिके के जन्म हुई, रामायण का शब्द मैं बोल रहा हूं जो मानस में लिखल बा। शंकर जी तकी हैं, अरे सती मर गल बारी तकिया मूल्य धरे, शंकर जी तकी हैं, तब पार्वती से शादी हुई, पार्वती के जन्म हो गल बा कहां, ते ही कारण ही मैं गृह गृह जाई आ जन्मी पार्वती तनु पाई। राजा हिमांचल की यहाँ पर्वत राज के बेटी बन के आ गई, पार्वती मैया के जन्म हो गए पहाड़ पर। जय बाबू, कथा को बड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करो आप, जी जी बड़ी सुंदर कृपा है, आज समैया हमरो गाड़ी स्टेशन पर पहुंच जाती है,
हाँ अभी एकदम हड़ाक दे उतारी देगा थोड़ा सा, एक दो मिनट चूंकि बीच में हम हाँ शंकर जी जब आंख मुल्ले तो माता जी का जन्म हो गए, तेही कारण ही मैं गिर गृह जाई आ जन्मी पार्वती तनु पाई। पार्वती नाम चार बजे ले लो और तो 10 मिनट तब आ भी ना कि बने को दी चली ले ठीक यहाँ का कहो तनी 10 मिनट और ही बोली तब तनी कथवा लाइन पर आ जा। बोलो शंकर भगवान की जय। एक जगह पर प्रवचन आयल बा, थोड़ा गौर से सुनिएगा जितने विद्वान यहाँ बैठे हैं, चूंकि रामायण को सीरियल हम बोल रहे हैं, छोड़ नहीं रहे कहीं से, चाहे जितना बोल लेंगे उतना ही बोलेंगे, अब कोनो जरूर नहीं कहे कि पूरा रामायण हमें ही बोल ली। हमारे सब गुरु यहाँ आए हैं लोग, हम तो महाराज एक जैसे आप लोग बताए ना, आपका बेटा कोई भाई बोल रहा है घर में अपने परिवार में, मेरा यही ज्ञान है मेरा यही शिक्षा है, यहाँ जितने विद्वान आते हैं सब ये गुरु हैं, हम एक शिष्य बन करके आप लोगों को बीच में, ये हमारा घर हाटा के बगल में सकरौली के रहने वाले, मेरा नाम वीरेंद्र है, कोई मेरा पोस्ट नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है कि आप मुझे ऐसे समझो, लेकिन दो चार शब्द बोल लेते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे क्या बोल गए। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहले कि पहले जाके शंकर जी के तकावल हो गए, शंकर जी जब ताक दे तब पार्वती मैया से शादी हुई, अब पार्वती से शादी हुई तब कार्तिके के जन्म हुई, और कार्तिके के जन्म हुई तब कार्तिके के हाथ से तारका का वध देखा, जौन दुष्ट पैदा भइल बाबू केकरे हाथ से मरी ए बाबू मरहू खातिर लोग अलगे अलगे था, कन्हैया जी जाके रावण के नाई मारले, रावण के मारा के मार लो देखा ये हनुमान जी का रटा तड़ी है। अरे हनुमान जी तो उमे के देवता है, सजी लंका वालन से पिटा गए हनुमान जी, लंका के सारा लोग सगरी राक्षस मर ले, मार ही लात होय बहु हासी, मानस में लिखा गया है हनुमान जी को सारे राक्षस मारे हैं, लेकिन वही जो पाली के बेटा अंगद गया तो कोई मारा है, बोलिएगा मारा है कोई? ए बाबू हनुमान जी हमारे अतुलित बल धामम, हेम शैला भदेहम, दनुज बन कृषानम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, बानरा नाम धीशम, रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी का कोई जोड़ नहीं है, और हमारे शंकर जी हैं कौन? शंकर जी को हनुमान जी की देखिए यही तो परिभाषा, आप जब समझ जाएंगे ना, जब समझ जाएंगे तो सारी बात आ जाएगी। हनुमान जी जब लंका में गए हैं ना तो रावण को गुरु का पद लेकर के समझा रहे हैं, राम चरण पंकज उर धरऊ आ लंका अचल राज तुम, भगवान को चरण को अपने हृदय में लगा लो और लंका का राजा सदैव बने रहो। रावण ने कहा अब हमको सारे लंका के लोग समझा भाई, अब हमको बंदर समझाएंगे, है बंदर बंदर समझाएंगे? हनुमान जी ने कहा कि मैं बंदर तो हूं जरूर हूं, लेकिन गुरु की परिभाषा तुमको बता रहे हैं हम। शंकर जी तुम्हारे गुरु हैं कि नहीं है? रावण ने कहा मेरे शंकर जी गुरु हैं। हनुमान जी ने कहा कि गुरु के परिभाषा से मैं बोल रहा हूं, शिक्षा दीक्षा में दो चीज है महाराज, कितने लोगों ने शिक्षा लिया है, पीएचडी किए हैं, एमबीए किए हैं, बीए किए हैं, सब पढ़ने के बाद भी दीक्षा नहीं है तो ज्ञान उनके अंदर? हनुमान जी ने कहा कि मैं शिक्षा नहीं दे रहा हूं, दीक्षा दे रहा हूं, समझ लो। रावण ने कहा बंदर सिखाएंगे? हनुमान जी ने कहा कि दो तरह के फोटो कमरा वाले होते हैं, गौर से सुनना रावण, ध्यान से सुन लो कान खोल करके, दो तरह के कमरा वाले होते हैं। अभी आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग होता है आपके घर परिवार में, तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो करेगा आपको अंदर के मतलब नहीं है कि आपका कैसा ऊपर का मतलब है, चेहरा आपका गोला है कि काला, साड़ी आप बढ़िया पहनी कि नहीं, कुर्ता आपका बढ़िया है कि नहीं, थोड़ा जब वीडियो रिकॉर्डिंग होता है तो आदमी को कहते हैं प्लीज थोड़ा साइड में हो जाओ, बढ़िया से हो जाओ,
अपने को आदमी संभालने लगता है। तो हनुमान जी ने कहा जितने रिकॉर्डिंग करने वाले तुम्हारे लंका में थे, सब वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले थे, लेकिन आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहेगा कि तुम्हारे छाती में दर्द है तो एक्सरे करना पड़ेगा। एक्सरे का दर्द महाराज वीडियो रिकॉर्डिंग से नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा ना, एक्सरे करवाना पड़ेगा कि नहीं। तो एक्सरे जो है बीमारी बताएगा, अल्ट्रासाउंड जो है बीमारी बताएगा, और लंका में तुम्हारा जितना बड़ाई करने वाले थे, जितने अच्छाई करने वाले थे, जितने अच्छे लोग तुम्हारे थे, जितने प्रशंसक तुम्हारे थे, ये दिखावटी लोग तुम्हारे थे, लेकिन मैं अंदर वैद्य बन करके जय 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 गुरुदेव हनुमान जी अपने को साक्षात जाहिर कर दिए हैं, लेकिन रावण के समझ में ये बात। हनुमान जी ने कहा कि मैं वैद्य की हैसियत से कह रहा हूं कि तुम्हारे अंदर जो बीमारी है मैं उसका इलाज बता रहा हूं। राम चरण पंकज उदरहरू लंका अचल राज तुम। व्यास गद्दी से समझाने वाले हम सभी लोग समझाएंगे, लेकिन वही बात आपको समझ में आ जाएगी। डॉक्टर तो सब मरीज देखते हैं, हर डॉक्टर मरीज देखते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर ऐसा भी है कि 90% मरीज उसका ठीक हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं भैया, हम फंसाऊ डॉक्टर तो नहीं है, मेरा जो समझ है वही बात बोलेंगे, मेरे बस का नहीं है। नहीं, मानस का जो सूत्र है आप दो ही शब्द सुनो, चार शब्द सुनो, मुझे जो नॉलेज है, मेरा जानकारी है, मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ध्यान देना। अब ये जो ब्रह्मा जी भेजले बने सप्तऋषि लोग के, कहले कि जाके पहले शंकर जी के तकाबल हुए, लेकिन शंकर जी को तकाएगा कौन? शंकर जी को तकाने वाला कोई होगा तब ना तकेंगे। शंकर जी तो एक के बेर में समाधि बा, जब से सती जाई तनु त्यागा तब से शिव मन भयऊ विरागा। भगवान शंकर जी बैराग ले लिए हैं, और बैराग लेने के बाद भगवान भोलेनाथ को तकाना आसान नहीं है। रामचरितमानस में लिखा गया है, ऐ बाबू, रामचरितमानस में लिखा गया है कि तामसी शरीर से कभी भजन नहीं होगा। आप जितने लोग कथा में आए हैं, कथा में आना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बात गौर करिएगा, चाहे दुर्गा जी का व्रत रह लें, चाहे मंगलवार भूख लें, चाहे कोई पूजा घर में कर लो, चाहे कोई धाम कर लो, लेकिन रच बचखाने वाला व्यक्ति ये कह दे कि मेरा भक्ति पूर्ण हो रही है तो ले आइए, 100% मैं गलत मान रहा हूं कि कभी आपकी भक्ति पूर्ण होने वाली। विभीषण जी ने अपने मुंह से कहा कि महाराज भजन न होए तामस देहा, तामसी शरीर से कभी भजन हो नहीं सकता है। तामसी शरीर वालों से कह दिया जाए दारू भी पी ले, अंडा भी खा ले, मछली मांस खा ले, और उसके बाद भगवान ठाकुर जी का भजन कर लो, कीर्तन कर लो, कथा सुन लो, आपको भजन हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। अरे ये जगह पर कथा आएगा, लेकिन बीच में ब्रेक हम लगा रहे हैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट का ब्रेक। अगर हमारे